देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के करीब 1000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 980 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि एक व्यक्ति की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,461 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की मौत अकोला शहर में हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि आज आए 919 में से 242 मामले अकेले मुंबई में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा नागपुर में 105, पुणे में 58 और नवी मुंबई में 57 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से 710 मरीजों के ठीक होने के बाद मंगलवार को राज्य में ठीक होने वालों में इजाफा हो रहा है। राज्य में अब तक 4,875 एक्टिव केस हैं। वहीं देश में कोरोना के मामलों को लेकर बात करें तो मंगलवार को कोरोना वायरस के 5,676 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37,093 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में 3-3, कर्नाटक में 2 और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में 1-1 मरीज की मौत से देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,000 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 37,093 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.8% है। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।